हेलो दोस्तों, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला चल रहा है और बहुत एक्साइटेड मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे 20 गेंदों पे 36 रन चाहिए मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए, और यहाँ से लगता है पूरी तरह से मतलब कि मैच करीब दिल्ली मुंबई इंडियंस के गिरफ्त में है, क्योंकि यहाँ से मैच हारना नहीं चाहिए अभी तक, क्योंकि तीन ही विकेट आउट हुए। टीम डेविड और तिलक वर्मा से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तीनों, दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे हैं दोनों। और देखिए, अगर यहाँ से मैच मुंबई इंडियंस जीतता है तो आरसीबी प्ले ऑफ अंदर हो जाएगा, वही दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेट हो जाएगा आईपीएल 2022 से। और देखिए, पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया रोहित शर्मा ने, बहुत शानदार उनका फैसला था, क्योंकि देखिए पिच पे जिस तरह मदद मिल रही थी और डेविड वार्नर कुछ खास नहीं कर पाए, 5 नंबर आउट हुए। देखिए मौका मिला, देखिए इंजरी के बाद इतनी जल्दी रिकवर होना, उसके बाद देखिए फॉर्म दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छे शॉट्स लगाया लेकिन 24 रन बना के करीब आउट हुए, तो मतलब थोड़ा सा उनका मतलब कि जो उनका स्ट्राइक रेट था थोड़ा सा मतलब कि 100 के ऊपर था, उतना अच्छा स्ट्राइक नहीं कवर कर पाए हो। वही हम बात करते हैं मिशेल मास के पहली गेंद पे शून्य पे आज आउट हुए बुमराह, कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेट लिया 25 रन ओवर, 4 ओवर 25 रन, 3 विकेट ले गए जसप्रीत बुमराह, क्योंकि देखिए पॉल पीटम को विकेट नहीं मिल रहा था आईपीएल 2022, लेकिन इस बार आपके आज जो मैच है बहुत अच्छा कमाल की बॉलिंग की, 3 विकेट निकाल के ले गए बुमराह, जिस तरह कमल तोड़ दी पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की। वही उसके बाद देखिए पवेल ने अच्छी बैटिंग की, पवेल ने 45 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौका, मतलब ऋषभ पंत किसे बहुत डिसअपॉइंट किया। देखिए ऋषभ पंत मतलब कि वो मतलब कि जो एक टैग लगा रखे कि हार्ड हिटर, उसके वजह से थोड़ा सा मतलब कि ईगो में रहते हैं ऋषभ पंत काफी, और लगता है कि हर गेंद पे चौका छक्का, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। 39 देखिए 33 गेंद 39 रन 20, मतलब जिस तरह उनको थोड़ा और लंबा लेके जाना चाहिए था पारी, क्योंकि बहुत सारे ओवर बचे हुए थे, लेकिन उनके अंदर कोई जिम्मेदारी लगती नहीं। आईपीएल 2022 में एक भी 50 नहीं लगाया अभी तक पहली बार तो, और जो मतलब जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह मतलब कि बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत, वो बहुत मतलब कि बहुत निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है आईपीएल 2022 में। इस तरह तो T20 वर्ल्ड कप के भी सिलेक्ट होने के लायक नहीं रहेगा ऋषभ पंत, जिस तरह की बैटिंग अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में। पवेल की वजह से ही अब देखिए एक सम्मानजनक उसको 158 तक बहुत मुश्किल से पहुंच सकी दिल्ली कैपिटल्स। और बैटिंग शुरुआत के 2 समय देखिए फॉर्म की अच्छी नहीं है, और फॉर्म की स्टिल कर रहे हैं, उसमें 2 रन बना के आउट हुए 13 गेंदों पे, मतलब कि खाली नंबर पे एक ओवर तो मेडल पूरा खा गए पूरी तरह से, और मतलब उनकी गेंद बैट पे गेंद ही नहीं लग रही, तो फॉर्म में नहीं है रोहित शर्मा। और देखिए ईशान किशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, संकट ड्यूएल बेविस ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और देखिए ड्यूएल खासकर ड्यूएल बेविस जिस तरह की हिटिंग की है, कमाल की हिटिंग किया है देखिए। और वहीं बात करते हैं तिलक वर्मा और टीम डेविड क्रीज पे है, मुकाबला मुझे लगता है मुकाबला निकाल के यहां से ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है वो यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के पास, क्योंकि देखिए खलील अहमद ने बहुत अच्छा बॉलिंग पिकअप, लेफ्ट आर्म बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, लास्ट में थोड़ा सा मार जरूर पड़ लेगी, इस मैच में बहुत कमाल की बॉलिंग की, जिस तरह उसकी गेंद लहरा रही 143-145 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहा है, तो मतलब कि ये T20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब कि एक हमारे पास लेफ्ट आर्म काफी भरमार हो, वही मोहसिन खान हो गए, खलील अहमद, मुकेश चौधरी हो गए, नटराजन हमारे पास ऑलरेडी थी, वही देखिए इस तरह की कमाल की जो एक मिली जुली मतलब कि लेफ्ट आर्म हमारे पास बॉलर नहीं थे बहुत अरसे से, तो अभी हमको लग रहा है काफी लेफ्ट आर्म बॉलर हमको मिल चुके हैं काफी, हमको लगता है ऐसा, और आने वाले सीजन हम देखेंगे भी लेफ्ट आर्म बॉलर को, हम आगे सीजन देखेंगे भी। देखिए हम वही हम बात करते हैं कि जिस तरह की बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मतलब कि इतना रन बने नहीं थे, प्रेशर नहीं बिल्डअप कर पाए मुंबई इंडियंस के बैट्समैन, रोहित शर्मा जरूर स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद जितने बैट्समैन ने अच्छे रन बनाए हैं, और टीम लीडर को पता है कितना अच्छा फिनिशर है, कितना अच्छा लास्ट में मुकाबला कितना क्लोज लेके हारा था, कितना क्लोज लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेट आ कि मतलब मैच नहीं निकाल पाया, लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग किया, जितना भी टाइम चांसेस मिला है उसमें हर चांस उसने करीब स्कोर किया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, ब्रैकेट में प्रेस कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।